हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डेली ब्लॉग्स ऑफ फ्लावर द्राश। और आज हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे पता है ये वीडियो लोग देखने नहीं वाले, इसे यहीं पे खत्म कर देंगे, बिकॉज अब मैं एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं रिया चक्रवर्ती ने क्या किया, सुशांत सिंह के केस में क्या हो रहा है, या दीपिका के पीछे कैसे रिपब्लिक वाले लोग यू नो माइक लेके जा रहे हैं, मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला। और ये एंटरटेनमेंट रिलेटेड नहीं है, तो शायद कुछ लोग यहीं पर बंद कर दे। अगर आप ये वीडियो यहाँ पे बंद कर देगा ना, ये बहुत शर्म की बात है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं फार्मर्स के बारे में बात कर रहा हूं और फार्मर्स हमारे लिए भगवान है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पापा खुद फार्मर हैं, पूरी फैमिली फार्मिंग सेक्टर में है। और इस वक्त जो किसानों के साथ हो रहा है, जिस सिचुएशन से, मुझे पूरी उम्मीद है आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि कितने फार्मर सुसाइड करते हैं, क्या चल रहा है। लेकिन यही न्यूज अगर होती इस टाइम की, रिया ने रोटी खाई जेल में, रिया निकल रही है, रिया के घर में रिपब्लिक चैनल चल रहा है, आई मीन कंगना ने बोला, भाई इतने लोग मर रहे, इतने सीरियस मीडिया चैनल्स को, जो काम मैं अब कर रहा हूं वो मीडिया चैनल्स को करना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। आप ये बात क्यों भूल जा रहे हैं कि आप न्यूज चैनल है, आपका काम है खबरें दिखाना, अलग अलग तरीके की खबरें दिखाना, ना कि अपना एक एजेंडा बना के, एक चीज के एजेंडा बना के उसी के पीछे लग जाना। इस दुनिया में आजकल बस TRP, व्यूज, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ यार, बहुत ही गलत हो रहा है। और सबसे ज्यादा गलत हमारे फार्मर्स के साथ हो रहे हैं। तो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे एंड ऑल दैट, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, उसके बाद मेरे दोस्त रविंद्र ने बोला कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, अगर मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो गाइस, आज हमारे साथ अंकित जुड़ने वाले हैं। अंकित, सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे साथ एक अंकित जुड़ेंगे। अंकित बेसिकली, इनका एक चैनल है यूट्यूब पे, एक खबर किसानों की, जहां पे बात करते हैं अपनी किसानों की दिक्कतों के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ जो बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बता सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं आप दर्शकों को, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। और तो अंकित, पहले तो आपका स्वागत है यार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है यार। मतलब मैं तो आपकी वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ, तो आप तो अमेजिंग काम कर रहे हैं एकदम। यार मैं तो फिर भी एंटरटेनमेंट सेक्टर की बातें करता रहता हूँ, तो लेकिन असली बातें तो एक्चुअली आप लोग करते। हम मुद्दे की बात ये है कि जो हो रहा है किसानों के साथ, जो प्रदर्शन अभी कर रहे हैं किसान निकले हुए सड़कों पे, पहले तो क्या रीजन है इसका? से आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो जो भी सरकार ये जो बिल लेकर आई है किसानों को लेके, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैं ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऊपरी तौर पे समझा देता हूँ अपने दर्शकों को। विपक्ष में बैठा हुआ है और जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बात को, इस बिल को, इस विधेयक को समझाने में नाकाम रही है। वो उसका ही फेलियर रहा है, चाहे वो GST लाना हो, चाहे वो नोटबंदी हो, और चाहे वो अभी ये बिल हो। तो सरकार का कहीं ना कहीं पॉइंट ये है कि वो जो भी विधेयक लाती है वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आती, बस आके तुरंत वो थोप देती है। तो उसमें से किसान विधेयक और ये जो बिल आया है वो इनसे एक है। तो किसान इसको समझ नहीं पा रहा है और एक आंधी चल पड़ी है विरोध करने की, तो उस विरोध में प्रमोशन के थ्रू और पेड विरोध चल रहा है। लेकिन अगर बारीकी से समझाया जाए तो ये जो किसान बिल आया है, किसान विधेयक, तो ये लागू नहीं हो जाएगा पूरी तौर पर तब तक ये पूरा स्पष्ट नहीं हुआ कितना फायदेमंद और कितना नुकसान थे। बेसिकली अब जो ये किसान सड़कों पे उतरे, क्या इसका रीजन है, ये बिल है क्या? फसल जो अब तक आढ़ती थे, यानी कि जब किसान अपनी खेत की फसल करता था तो अपने खेत से उस फसल को लेके जाके वो एक आढ़त में रखता था, वहां मीडियो पर होते थे जो बिचौलिया होते हैं, जिनको हम आढ़ती बोलते हैं, जिनको हम दलाल भी बोलते हैं, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा बोली जाए उनके लिए, वो कठोर वचन बोला जाए, दलाल का उपयोग करते हैं। तो वो उस कीमत लगाते थे किसान की, जो भी प्रोडक्शन होता था, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे सब्जी हो, और वो उस चीज को आगे फर्दर बड़ी कंपनी उसको बेच देते थे। हाँ जी, उसमें कई तरीके के नुकसान किसान फेस करता था। जब वो मंडी में लेके जाता था सामान तो उसको हिडन टैक्स देना पड़ता था, स्टेट वाइज कुछ टैक्स होते हैं, जब आप मंडी में एंट्री करते हैं तो आपको वो टैक्स देना पड़ता है। प्लस जब आप कोई भी चीज आपका वेट करता है, आपके सामान का वेट करता है, तो उसमें 1 किलो 2 किलो, क्योंकि सरकारी कांटे जो होते हैं, जो आड़ते होते हैं, उसमें कोई डिजिटली कांटे बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, वरना वो लोहे के बड़े बड़े तराजू होते हैं और आदमी उसमें मैनुअली तोलता है। तो वो नुकसान किसान को, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बारीकी किसान भी अभी तक नहीं समझ पा रहा है कि वो कहां, क्यों इस बिल का विरोध कर रहा है। हाँ जी, तो ये कुछ कुछ चीजें इसको सरकार ने हटाना चाहा है कि सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, डबलिंग की बात कर रही है कि उनकी इनकम डबल हो। तो बिचौलियों का जो कमीशन था, जो स्टेट लेवल पर जब आप मंडी में एंट्री करते थे जो आपसे टैक्स वसूली कर जाती थी, तो सरकार उन सब चीजों को खत्म करके डायरेक्ट एक ऐसा मार्केट क्रिएट करना चाह रही है कि आपको पता है जो हमारे किसान भाई होते हैं वो इतने
पढ़े लिखे नहीं होते, इतना पढ़ नहीं पाते, बिकॉज अपनी खेती बाड़ी में लग जाते हैं जल्दी, एक अर्ली एज पे कह लो या फिर। लेकिन अब जब भी प्राइवेट सेक्टर इनकी जो भी प्रोडक्ट्स खरीदेगी, इनकी फसल खरीदेगी, तो कहीं ना कहीं इतने टर्म्स एंड कंडीशन रख सकती है कि कहीं ना कहीं किसान भाई ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यह उसके लिए सही है या गलत है। तो वो किसानों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वो लोग इसलिए भी डर रहे हैं कि पता नहीं क्या बोल दे, क्या साइन करवा ले, कैसे टर्म्स एंड कंडीशन हो। अब बात आती है कि इंसान मासूम है और उसको उल्लू बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो ये सही बात है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का जो कर जाल है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें किसान को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन सरकार इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं, सरकार कुछ चीजें और इसके अंदर संशोधन लाएगी, तो आपके पहले से ही निर्धारण हो जाएगा। ये नहीं है कि आप गए और सब चीजें हो गई। आप आज भी अगर ये बिल जो आएगा ये लागू हो जाता है पूरी तरीके से, तो आप अपनी मंडी में सामान बेच सकते हैं, वो डिपेंडेंट आप पे, डिपेंडेंसी तो हम उनका आप एक पर है। आप डेमोक्रेटिक राइट होता है किसान का, एक डेमोक्रेटिक, हर एक इंसान का डेमोक्रेटिक राइट होता है, हम जो चाहे हम वो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार उनका ये डेमोक्रेटिक राइट छीन तो नहीं रही। सरकार ने पहले ही बोला है एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मिनिमम सपोर्टिंग एमएसपी प्राइस जो होता है, है मिनिमम बेसिकली मिनिमम सपोर्ट, सपोर्टिंग प्राइस, या समर्थन मूल्य जो किसान को उसकी फसल का अगर बताया जाता है, एक कीमत आती है कि अगर आप गेहूं कर रहे हैं या कोई भी फसल कर रहे हैं, तो उसका एक सरकार एक प्राइस तय कर करती देते है। हैं। अच्छा, अब आपने बात करी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आप स्मार्ट बनेंगे। आप कब तक पुराने तौर तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स पे सब चीजें करते रहेंगे, कब तक किसान कर्ज में डूबता रहेगा भाई? बाहर से कब, आपकी स्थिति तो ऑलरेडी खराब है ना, हाँ जी, सरकार उसको सुधारने की कोशिश कर रही है, सरकार डबलिंग की बात कर रही है, सरकार आपको एक मार्केट में कंपटीशन में उतारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान को काट दिया गया है। किसान कहते हैं ना, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। आप खुद उठा के देख लीजिए, जीडीपी का जो आंकड़ा उठा के देखिए, -24 में जीडीपी चली गई, हाँ जी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की +3.5 है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में स्कोप है। तो मुझे एक चीज और आपसे पूछनी थी, कृषि जो बिल है 2020 देश के किसानों के लिए फायदे का है या नुकसान का है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, फायदा है या नुकसान है? आपके चैनल से आज ही फिर बताना चाहूंगा कि जब तक कोई भी कानून हो, चाहे कोई नियम हो, जब तक वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाए, तब तक हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई कोई वैक्सीन भी मार्केट में आती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन चल रही है, जब तक वो एप्लीकेबल नहीं होती है लोगों पर, जब तक उसका एक परीक्षण नहीं किया जा सकता, ट्रायल नहीं किया जा सकता, जब तक आप नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव होगी आस्पेक्ट जाएंगे, नेगेटिव आस्पेक्ट जाएंगे। लेकिन जितना जो पक्ष में जो लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर उनसे बात करी जाए, इकोनॉमिस्ट जो है उनसे बात करी जाए, तो वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसान को फायदा होगा, टेक्नोलॉजी आएगी भारत के अंदर, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। अगर नेगेटिव आस्पेक्ट रहेगा तो बस यही है कि कुछ चुनिंदा लोग इससे और अमीर होंगे। मीडियोकर जो लोग ये सामान खरीदते किसानों से इस वक्त, तो ये सब एकजुट होके, जैसे अगर गेहूं का प्राइस 20 है, एक किलो 20 रुपए का बेच रहे हैं, तो सब कम कि हम सब मिलके 18 रुपए का बोलेंगे, सब एक साथ होके उनको सेबोटाज करते हैं, उनको नीचे लाने की कोशिश करते। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि, तो किसान को समझना है कि आखिर जब वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पहले से टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर किसान स्वतंत्र है और वो कंपनी के साथ बात कर सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको इससे नीचे नहीं दूंगा। वो किसान डायरेक्ट, आप क्या है, आप सामान लेके आप चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आप डीजल डलवाया आपने ट्रैक्टर के अंदर, किसी का ट्रैक्टर उधार मांग के लाए, या आपका खुद का भी है तो आप लेके गए, तो वहां से आप वापस लाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपके पास वेयर हाउस नहीं है। तो मैं तो बस आखिरी में आपसे ये एक कंक्लूजन चाहूंगा इस पूरी सिचुएशन का, कि कहीं आपको लगता है कि जो ये हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके आने से फायदा होगा या नुकसान? इनके आने से फायदा होगा, लेकिन सरकार को इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी लेवल पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल वरना कहीं ना कहीं ये लोग अगर अपनी मोनोपोली जमाने लगे तो किसान बेचारा मारा जाएगा, वो पहले से मरा हुआ है, वो बहुत और सही, मर जाएगा। इसके ये बात अंदर किसानों किसानों के हित के लिए सरकार को एक कोई ऐसी कमेटी गठन करनी पड़ेगी जो इन पर रूल करे, टूल, इनको हाँ, पूरी तरीके रेगुलेट से, कर सके, हाँ पूरी मॉनिटरिंग कर तरीके से सके। इनको बिल्कुल बिल्कुल फ्रीडम ना दिया जाए इन कंपनीज को। और कहीं ना कहीं जो भी एमएसपी की बात होगी, तो वो अपनी कुछ चीजें ना, जो कहते हैं कि जब बड़ा घर का एक बुजुर्ग होता है, तो वो अपने घर की पूरी पावर अपने हाथ निगरानी में रखता है, तो रखता सरकार है। हाँ जी, कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं फार्मिंग सेक्टर पे है, तो आपकी एक राय है कि जो ये बिल पास हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही है, और टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, अपना होमवर्क गवर्नमेंट को अच्छे से करना पड़ेगा और किसानों को अच्छे से समझाना पड़ेगा, जिससे किसान समझ सके। क्योंकि कुछ भी नई चीज आती है, नया ट्रेंड आता है, तो लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर होमवर्क अच्छे से करे और लोगों को अच्छे से समझा जाए, तो वो भी समझेंगे और ये हमारे देश के लिए अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप इस सक्षम हैं कि अपने खेत गांव में जाके कुछ अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, तो आजकल इस एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्कोप है। ऑर्गेनिक फार्मिंग
के अंदर बहुत स्कोप है। तो आप अगर सक्षम हैं कि वापस अपने गांव कुछ एक बड़ा स्टार्टअप कर सकें, फार्मर बन सकें और खुद का क्यों नहीं। प्रोडक्शन करें, किसान बनने की जरूरत यह है कि वो आढ़ती के पास जाए ना, वो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे ना, वो खुद की प्रोसेसिंग प्लांट लगाए। जो अगर मैं गेहूं बिक रहा हूँ, जो मैं सरसों का लाया कर रहा हूँ या जो भी मैं दाल कर रहा हूँ, मैं खुद की लेबलिंग करूं, मैं खुद की पैकेजिंग करूं, 10-15 किसानों का एक समूह बना के एक ट्रस्ट बनाऊं और खुद मार्केट में अपनी कंपनी लॉन्च करूं। किसान अगर ये समझ जाए तो बाकी कंपनी की जरूरत ही नहीं है, हमें इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। अगर जी किसान इतनी सी बारीकी समझ जाए, 10-5 किसान, यूनिटी नहीं है, हम लोगों में बट रहे हैं, छोटे छोटे किसान हो गए हैं, सब लोग अपने फायदे की सोच रहे हैं और वो फायदे की जगह अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही गई। सो थैंक यू अंकित जुड़ने के लिए। अब जाते थे, एक बहुत अच्छा शेर मेरे को याद आया कि हम अकेले ही चले थे शेरे गालिब, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो लोग मिलते जाते हैं, डेस्टिनी तो देखिए सब पहले से फिक्स है, सब चीजें जो भी चीज है, बस हमको मिलजुल के काम करना है तो चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके यार ब्रदर। थैंक यू, जय थैंक यू किसान। भाई, थैंक यू सो मच, जय जवान जय किसान। आपने सुनी अंकित की बातें, और अब मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में पहली बात तो कृपया करके ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है प्लीज स्टेटस डालिए। अगर आप किसी के लिए कि अपने देश के लोगों के लिए नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश का मुद्दा है। आई वॉन्ट कि हर एक बंदे को इस बारे में पता चले, हर एक बंदा अपनी राय रखे और किसानों को सपोर्ट करे। सच्ची बात है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस टाइम। अगर वो ना हो ना तो शायद हम 1 महीने सर्वाइव ना कर पाए इस देश में। इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए। क्या सही लगा आपको, क्या गलत लगा प्लीज बताइए। ये प्रोग्राम समाप्त करता हूं। आई होप अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी चीजें और ऐसे कन्वर्सेशन और करूं लोगों को बुला बुला के ऐसी चीजें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा, बिकॉज मुझे बहुत मजा आया और आपको भी कुछ अलग देखने को मिला और जानकारी मिली, और मैंने बहुत शुद्ध हिंदी भी बोली इस बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, एंड प्लीज सपोर्ट योर ओन पीपल, बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। प्लीज थैंक यू सो मच गाइस।